हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे मेरे पास रिट्स VDI है डीजल इंजन, और यहाँ पे हम लोग इसका ये जो थर्मोस्टेट वाल्व है ये चेंज करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो गया है इसलिए हम लोग इसे रिप्लेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें लीकेज स्टार्ट हो गया है। कहाँ से हुआ है ये कॉमन प्रॉब्लम है रिट्स स्विफ्ट जितना भी ये इस टाइप का इंजन है उसमें ये वाला प्रॉब्लम आता ही आता है। ये जो पुराना वाला थर्मोस्टेट वाल्व का जो हाउसिंग था उसमें ये प्रॉब्लम आना ही आना है मेटल वाले में। और अभी कंपनी ने इसका डिज़ाइन भी चेंज किया है, अब कंप्लीट प्लास्टिक का कर दिया है। तो कैसे से रिप्लेस करते हैं इजी है, बट थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा और स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊँगा। अगर एक बार आप देख लेंगे तो आप खुद से कर सकेंगे बिना किसी टेंशन के, बिना कोई सर्विस सेंटर, बिना कोई मैकेनिक के हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मैंने काम किया है कि यहाँ पे जो एयर फिल्टर था ये मैंने हटा लिया है। बहुत बार मैंने बताया दो यहाँ पे बोल्ट रहता है ट्रेनमे का, आप हटाएंगे यहाँ से पाइप को हटाएंगे ये हट जाएगा कम्प्लीट एयर फिल्टर। थोड़ा सा और स्पेस बनाने के लिए मैंने यहाँ से बैटरी भी हटा लिया है। अब यहाँ पे मुझे बहुत स्पेस मिल गया, ये देखिए आप अगर देखेंगे तो कितना स्पेस मिल गया है, कम्प्लीटली क्लियर स्पेस मुझे मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर बैटरी रहता एयर फिल्टर तो आप नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग सब कुछ ओपन करेंगे और इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर मैंने न्यू भी परचेज़ कर लिया, तो न्यू कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और मैं कंपेयर कराऊँगा ओल्ड और न्यू को। और यहाँ पे देखिए कितना सारा इसमें पाइप है जो कि आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और जब भी आप रिप्लेस कीजिए तो कंप्लीट असेंबली ही रिप्लेस कीजिए। और इस न्यू असेंबली में इसका कॉस्ट कितना है, 1600 इसका कॉस्ट है ये देखिए आज के डेट में। और इसमें सेंसर थर्मोस्टेट वाल्व सब कुछ आता है, तो ये बेस्ट रहेगा। और वही अगर आप एक एक करके परचेज करेंगे तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और कॉस्टली रहेगा। और एक बार आप रिप्लेस कर लेंगे तो सब कुछ आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे देखिए मैं इसे रिप्लेस क्यों कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे से ये जो है यहाँ पे ये मेटल का है और उसके पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए कूलेंट ही कूलेंट आपको दिखेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर एक 100 किलोमीटर में इसमें 0.5 लीटर कूलेंट इस तरह से ड्रॉप बाई ड्रॉप बाहर आ रहा है। और ये जो कूलेंट है आपका क्लच में जा रहा है, उसके बाद जो आपका सेल्फ मोटर है उसमें जा रहा है। इनफैक्ट मेरा सेल्फ मोटर इसी कूलेंट के कारण एक बार फेल भी हो चुका है और मैंने उसे फिर से रिपेयर किया था। और कूलेंट अगर ज़्यादा डाउन हो गया इसमें और रेडिएटर में भी कम हो गया, यहाँ पे मैं हमेशा इसको चेक करता रहता हूँ हर एक 2-3 दिन के बाद, तो बचा हुआ है ये। नहीं तो अगर मैं इसे नहीं देखता तो मे बी कि इंजन ओवरहीटिंग हो करके इसका हेड गैसकेट डैमेज हो जाता, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। और ये हर एक इस तरह का इंजन में जो डीजल इंजन है, स्विफ्ट, रिट्स, टाटा इंडिका, विस्टा, पुंटो, सब में यही है इंजन। और यही जो है एक फॉल्टी होता है इसमें, एक ना एक टाइम उसमें प्रॉब्लम आएगा। अगर मेटल वाला है तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगा। ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए आप केयरफुली अगर आप देखेंगे, ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं, मैं स्क्रू ड्राइवर से दिखा रहा हूँ, ये जो जॉइंट है यहीं से लीकेज स्टार्ट होता है और स्पॉइल कर देता है। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहीं से लीकेज स्टार्ट होता है और सब कुछ स्पॉइल करता है। ये देखिए यहाँ पे लॉक भी मैंने हटा दिया है, तो ये देखिए यहीं से प्रॉब्लम आता है। तो चलिए इसे हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर जो जो पाइप ईजिली निकलने वाला है वो हम लोग पहले पुल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाला जो पाइप है जो कि रिजर्वायर में जाता है, ये मैं खींच लेता हूँ पहले। तो लॉक को पहले हटा लेंगे और इसको थोड़ा सा, ये देखिए ये आपका एक बहाड़ना आया, ये देखिए इसमें कूलेंट है। तो जो जो हम लोग निकालते जाएंगे इसको साइड करते जाएंगे और भगवान की दुआ से इसका कूलेंट ये सब अच्छे कंडीशन में है। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें कोई भी हेड गैस्केट का प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ये देखिए और यहाँ पे एक और लॉक है, ये हॉस पाइप है रेडिएटर वाला, तो इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए
एक एक करके सारा कुछ हम लोग निकालेंगे इसमें। इसमें प्रॉब्लम यही कर दिया है कि हाफ बॉडी इसका मेटल है और हाफ प्लास्टिक है, तो यही इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, और इसमें मारुति का जेन्युइन कूलेंट है, तो बाद में हम लोग को कूलेंट नया डालना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट है। ये देखिए, ये बोल्ट भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे ये जो पीछे वाला पाइप है उसका लॉक हमने ऑलरेडी हटा दिया है और ये बाहर आ गया है। अब इस पाइप को थोड़ा केयरफुली हमें हटाना होगा, ओपन करना होगा। ये देखिए, ये जो पाइप है इसको हम लोग को हटा लेना होगा और इस पाइप को डैमेज नहीं करना है, बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे एक और पाइप अटैच है और इसमें जो लॉक लगा रहता है वो कंपनी वाला लॉक रहता है, तो इसको आपको केयरफुली बिना डैमेज किए हुए आपको निकाल लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने रेडिएटर को थोड़ा आगे कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने आगे किया, ये जो क्लैंप था वहाँ पे लगा हुआ टर्बो में, ये जो एयर फिल्टर का पाइप गया है उससे मैंने थोड़ा सा लूज़ कर लिया है। अब लूज़ करने से ये जो पाइप है वो मेरा यहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाता है, इसको आप साइड कर सकेंगे। तो ये आपको एसएस मिल जाता है ताकि इसको आपको बाहर निकालना है। और नीचे में एक बोल्ट होता है और ऊपर में एक बोल्ट होता है, T45 दोनों का साइज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो वाटर वाला पाइप है यहाँ पे, इसे भी मैंने लूज़ कर लिया है। एक 10 mm का बोल्ट नीचे रहता है, आप देखेंगे ध्यान से। और यहाँ पे दो आई थिंक T30 ऐसा कुछ होता है, जब मैं लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कितना नंबर का आता है। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। इसको बिना ओपन किए भी आप कर सकते थे, बट ये अगर बाहर आ गया है तो ये पाइप आपका इजी हो जाएगा और ये आपको इजीली यहाँ से निकल जाएगा। तो इतना काम मैंने कर लिया है। अब आई थिंक कि हम लोग दो बोल्ट ओपन करके ये जो आपका थर्मोस्टेट वाल्व है इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब बस दो बोल्ट आपको ओपन करना है। ये देखिए, एक आपका वहाँ पे देखिए T45 वहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे जो मेरा फिंगर है, ये देखिए, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है, ठीक है, T45, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे है, ये देखिए अंदर, नहीं सॉरी, यहाँ पे, ये देखिए नीचे में। अब पोजिशनिंग ऐसा ऐसा रहता है कि आपको जल्दी दिखेगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम होता है। इधर से देखिए आप, ये देखिए फ्रंट में, वहाँ पे आपको एक T45 दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है सामने में, दो ही रहता है। एसएस करना ही मुश्किल होता है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है वही नीचे में, ये देखिए, ये दो आपको डायगनली रहता है प्लेस्ड। और वो दोनों बोल्ट का जो हेड है वो है T45, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बिट है मेरे पास, और उसके बाद यहाँ पे इसका यूज़ कर रहा हूँ 8 mm का। जिस तरह का भी रहे आपके पास आप ओपन कर सकते हैं। और जो मोटा वाला सॉकेट वाला होता है उससे आपको नहीं ओपन होगा। ये देखिए, इस तरह का या तो यूज़ कीजिए या तो इस तरह का बिट यूज़ कीजिए। T45 इसका साइज़ है। अब आप देखिए कि मैं इसको कैसे ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए, सही है। और यहाँ पे आपको सब कुछ केयरफुली करना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस का कमी होता है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला यहाँ पे ले रहा हूँ और इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा लूज ही था, ये देखिए,
और कभी भी किसी मैकेनिक से आप कुछ भी काम करवाएं तो आपको ध्यान देना है कि सारे बोल्ट्स को टाइट करवाना चाहिए। अब पता नहीं ये ऑलरेडी क्यों लूज था, ये देखें, अब यहाँ पे ये वाला टाइट है। यस, ये देखें, और इस तरह का जो जगह हो जहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे बोल्ट निकालना भी एक टेंशन होता है। तो आपको एक मैग्नेट लगा के रखना है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ऐसा जगह चला जाता है कि आपको मिलेगा ही नहीं जल्दी। तो एक मैग्नेट लगा लीजिए ताकि जैसे ही ये गिरे तो इधर उधर ना गिरे। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। ये देखिए, यही था, यही बोल्ट था T45। यहाँ पे आप देख सकते हैं वासर वासर लगा के सही से एक निकल गया। अब दूसरा भी हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, दूसरा भी निकल गया, दोनों बाहर आने के लिए रेडी। और अब ये जो है ये आपका, ये देखिए यहाँ से टूट ही गया ये देखिए, अब यहाँ पे ये इजली बाहर निकालने के लिए रेडी है ये। और यहाँ भी थोड़ा इरिटेट करेगा ये, क्योंकि स्पेस कम होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका बाहर आ गया। और बाहर आने से एक चीज़ आपको अच्छा दिख रहा होगा कि इसमें जो कूलेंट है, इसमें हमेशा कूलेंट ही यूज़ किया गया है और ये नीट एंड क्लीन है। ये अगर शो कर रहा है कि ये नीट एंड क्लीन है तो मतलब आपका हेड का जो कंडीशन है वो भी अच्छा होगा। नहीं तो होता क्या है कि अगर यहाँ पे सिर्फ पानी का आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर देता है। ये देखिए, और इसको आपको प्यार से बाहर निकाल लेना है। ये आ गया बाहर, ठीक है। तो ये है हमारा ओल्ड, और ये देखिए, ये मेटल का आता था जो कि यहाँ पे डैमेज हो जाता है। और यहाँ पे ये जो ब्रोकन पाइप है इसका हम लोग बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, और यही था वीक पॉइंट, यहीं से ये लीकेज हो रहा था। ये देखिए, ये जो मेटल और प्लास्टिक का ये जो कॉम्बिनेशन था, ये तो अच्छा हुआ अभी टूटा है, पहले टूटता तो इंजन को डैमेज कर सकता था ये, तो यहीं से ये डैमेज होता। और ये प्रॉब्लम हर एक कार में आता है, हर एक कार में, और ये पार्सली डैमेज था। और यहाँ पे है न्यू असेंबली थर्मोस्टेट वाल्व, और इसका कॉस्ट आप देख सकते हैं 1600 है। ये देखिए, और दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए तो सब कुछ वही है, बट वही है कि इसमें इसको आपका मेटल के बदले प्लास्टिक का बनाया गया। पता नहीं रिलायबल कितना होगा ये। और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा है इसका, ये देखिए सब कुछ वही है, पार्ट नंबर भी वही है, सब कुछ है। और ये जब भी चेंज किए तो पूरा असेंबली चेंज किए, ये नहीं कि एक एक पार्ट आप चेंज कर रहे हैं। एक एक पार्ट आप चेंज करेंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। और प्लास्टिक है, देखते हैं कितना रिलायबल होता है। और इस एरिया को आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, यही बेनिफिट होता है जब आप कूलेंट अच्छे से मेंटेन करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कूलेंट का कलर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हेड का कंडीशन आप देख सकते हैं। तो ये होता है, पूरा चकाचक है ये, कोई भी कोरोजन ये सब नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये देखिए, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रैप है जो कि पाइप को बाहर से निकलने से रोकता है, ये ओरिजिनल वाला आपको लगाना है, ठीक है। मैंने देखा है मैकेनिक लोग क्या करते हैं, कहते
ये ओल्ड वाला को बाहर निकाल देते हैं और इस तरह का जुगाड़ वाला लगाते हैं। अब ये जो है इसका क्वालिटी का कुछ अता पता नहीं होता है, बाद में रस्टिंग होता है, ये टूट जाता है, तो इसका कुछ गारंटी वारंटी नहीं है। और ये वाला जो है ये देखिए 10 ईयर्स ओल्ड है ये, फिर भी इसमें कोई रस्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और इसको लगाना भी इजी होता है, हाँ कभी कभी स्पेस की कमी के कारण ये आपका दिक्कत करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये आता है और ये यहाँ पे लॉक हो जाता है, आप प्लेयर का हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे लॉक हो गया इस तरह से, तो ये बेस्ट होता है। और जब इसको आपको हटाना रहता है, आप नीचे तो देख नहीं पाए होंगे, बट जब आपको हटाना होता है तो स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर आप डालेंगे तो ये खुद से ओपन हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए बट ये यूज़ कीजिए और इसको अवॉइड कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी एक लगाया है और ट्राई कीजिए कि ये जो पाइप हो ये नया हो जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे अभी मिला नहीं और ये पाइप अच्छे कंडीशन में है, इसमें अगर कोई भी क्रैक कुछ भी अगर आपको दिखे कि भाई क्रैक हो गया है तो यही आपको बाद में इरिटेट करेगा, बट एट प्रेजेंट ये जो पाइप है ये सही है, यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको लगा रहा हूँ। नया का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप लगा लें घटिया क्वालिटी का, अगर आपको अच्छे क्वालिटी का नया नहीं मिल रहा तो पुराना ही लगा लीजिए, अभी अच्छे कंडीशन में है। तो लॉक आपको पहले ही इंसर्ट कर लेना है, थोड़ा सा तो आपको प्रॉब्लम होगा, और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि लॉक लगाने में प्रॉब्लम है, स्पेस की कमी के कारण ये प्रॉब्लम होता है। ये देखिए तो यहाँ पे रबर सीलिंग है, इसका आपको ध्यान देना है ऐसा ना कि यह मिसिंग हो। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए अब आ गया ये, तो यहाँ पे इसमें इसको लगा लेना है और इसमें एक पॉइंट बना रहता है उसी में जाएगा ये। ये देखिए परफेक्ट ये आ गया। उसके बाद इसका लॉक भी सिक्योर करना है हमें। तो 15 से 20 बार ट्राई करने के बाद मैंने ये लॉक लगा लिया है और फाइनली इतने टूल्स में ये वाला जो था सर्कल प्लेयर, इससे बहुत ही इजीली हुआ। मैं नोज प्लेयर से ट्राई किया, प्लेयर से ट्राई किया, तो मैंने कुछ ऐसे इसको प्रेस किया था और बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा था और वो क्लिक करके बहुत ही अच्छे से वहाँ सेट हो गया है, अच्छा लगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप लगाइए तो ओरिजिनल वाला ही लगाइए, ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे अब टाइम आ गया है कि हम लोग ये केबल लगा लें। ये देखिए यहाँ पे ये इजीली, ये वाला काम बहुत इजी है, ये बहुत इजीली हो जाता है। ये देखिए ये आपका सॉकेट यहाँ पे फिट हो जाएगा। काम कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है कार में, प्रॉब्लम बस यही होता है कि स्पेस कम होता है तो आपका हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ये देखिए सही है, ये लॉक हो गया है बहुत ही अच्छे से, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो दो था ये हमें लगा लेना है, तो एक बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि ये है आपका T45 और यहाँ पे केयरफुली आपको इंसर्ट करना है। ये देखिए एक यहां हो गया और दूसरा नीचे, बहुत ही केयरफुली आपको करना है और किसी चीज को ड्रॉप नहीं करना है आपको। ये देखिए और इस दोनों को अच्छे से टाइट कर लेना है, टाइट करना कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। मेन जो होता है इसमें प्रॉब्लम वो होता है पाइप्स को कनेक्ट करना, वो पाइप को निकालना। तो दोनों को मैं अच्छे से टाइट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे दोनों को थोड़ा थोड़ा करके आपको टाइट करना है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर। तो ये परफेक्टली टाइट हो गया है। अब इसमें जितने भी पाइप्स हैं सब कुछ हम लोगों को ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पे एक और पाइप है, ये देखिए स्क्रीनशॉट कर देना है आराम से। परफेक्टली आ जाना चाहिए, अपने जगह पर बैठ जाएगा। उसके बाद फिर से एक और स्ट्रगल है यहाँ पे, तो इसे हम लोग लगा लेंगे और थोड़ा सा आपको ये इरिटेट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे देखिए, और मैंने पता है एक स्पेशल प्लेयर भी बनाया है इसको लगाने के लिए, बट ये हमेशा काम नहीं करता है। ये देखिए आई थिंक यहाँ पे कर जाए। वाह, इसमें कर गया। ये देखिए मैंने एक बनाया था बट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे है इस तरह से करना पड़ता, ठीक है, और यहाँ पे ये स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट में ये काम कर जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है, आप तो नज़दीक से देखिए। ये देखिए, ये देखिए मैंने कुछ इस तरह का इसको बनाया है, और यहाँ पर एक बार में ही काम कर गया ये, और वहाँ पर काम ही नहीं कर रहा था। तो ये लॉक बहुत ही अच्छे से लग गया यहाँ पे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, टाइम बचा मेरा बहुत ज़्यादा, नहीं तो ये इरिटेट कर देता था। अब यहाँ पे ये जो पाइप देख रहे हैं, यहाँ पे एक 10 mm का बोल्ट मैंने निकाला था, तो वो मुझे यहाँ पे फिट कर देना है। ये देखिए इसको मुझे अभी मैंने हैंड टाइट कर दिया है, ठीक है, इसको मैं टाइट कर दूँगा। उसके बाद हल्का आगे आइए, ये पाइप यहाँ पे आया है, और यहाँ पे इस तरह से T30 के साइज से दो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये मैं टाइट कर लेता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को एक एक नट एक एक बोल्ट का डिटेल देता हूँ, ताकि आप जब ये काम खुद से करें तो आपको पूरा आइडिया रहे कि कहाँ से क्या ओपन करना है, और अगर आप अच्छे से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, टूल्स आपको प्रॉपर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होता है, और प्रॉपर टूल नहीं रहेगा तो फिर आप ओपन नहीं कर पाएंगे। और मैंने देखा है बाहर के जो मैकेनिक होते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर टूल नहीं है तो लोग जुगाड़ से काम चलाते हैं, तो ये आपका सही नहीं है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल, मैंने ओरिजिनल क्लैंप लगाया है, बट बाहर का जो मैकेनिक होता है वो जुगाड़ वाला क्लैंप वो लोग लगा देते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हमेशा ट्राई कीजिए कि आपकी कार जैसे शोरूम से निकली थी ओरिजिनल स्टॉक कंडीशन में वैसे ही रहे, तो ये अच्छा लगता है। पहले मैंने उसे टाइट कर दिया, और अब यहाँ पर जो 10 mm वाला बोल्ट है इसे भी मैं टाइट कर दूँगा। ये देखिए पहले कोई भी बोल्ट को आपको हैंड टाइट करना है, और हैंड टाइट करने के बाद आपको रिंस से करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रिंस से ही करेंगे तो होता क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो थ्रेड सही से बैठा है या नहीं, और ये सब स्पेस में थ्रेड अगर सही से नहीं बैठा रहता है तो प्रॉब्लम हो जाता है आपको। तो एक बार स्लिप हो गया तो बहुत ही इरिटेट करेगा आपको। ये देखिए सही से इसको बिठाना है, एक एक नट एक एक बोल्ट आपको अच्छे से हैंडल करना है। परफेक्ट हो गया इतना काम, जो डिफिकल्ट काम था वो हो गया है। अब यहाँ पे ये जो टर्बो वाला पाइप है जो हमने बाहर निकाला था, उसे भी हम लोग अंदर में इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए ये हमने निकाला था,
क्योंकि हमारा जो वर्क है थोड़ा इजी हो सके, तो इससे हम लोग आराम से अंदर इंसर्ट कर देंगे। बहुत अच्छे से आ गया ये, तो वो जो क्लैंप है मैं अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रेडिएटर को थोड़ा सा आगे किया था ताकि मुझे स्पेस मिल सके, तो अब सब कुछ को मैं सही कर लूँगा। ये देखिए, और यहाँ पे ये जो क्लिप जो लगाते हैं ना, तो जहाँ पे ये पहले था यहाँ पे देखिए दाग बना होगा, एग्जैक्टली वहीं पे डालिए, समझे। ये देखिए एकदम, न थोड़ा सा इधर न थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा उधर हो गया था तो मैंने एडजस्ट कर दिया। परफेक्ट, हर एक कुछ परफेक्ट होना चाहिए, किसी को पता भी नहीं चले कि कभी ये खुला था, ऐसा आप बनाइए। अब यहाँ पे इस रेडिएटर को हमने थोड़ा सा आगे कर लिया था, तो इसको वापस से हम लोग अपने जगह पे रख देंगे। ये देखिए ये अपने जगह पे आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। ये देखिए नीचे जो रबर माउंटिंग रहता है वो सही जगह पे बैठना चाहिए। तो जैसे ही रेडिएटर पीछे आएगा, यहाँ पे ये जो हॉर्स है इसको भी आपको इंसर्ट कर लेना है। ये देखिए, तो ये नीचे वाला पाइप था, इसे मैंने निकाला था ताकि ये थोड़ा इधर उधर हो सके, स्पेस मिले, तो ये भी लग गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हॉर्स पाइप है, ये देखिए, और यहाँ पे स्लॉट मैच करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये स्लॉट इसमें मैच करेगा, तो यही फ़ायदा होता है अगर आप खुद से अपने व्हीकल को रिपेयर करते हैं तो, परफेक्ट रिपेयर होना चाहिए। ये देखिए, और इसको मैच करके हम लोग लगा देंगे, पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये व्हीकल कभी रिपेयर भी हुई है। और यहाँ पे इसका क्लैंप आ जाएगा, ये देखिए, परफेक्टली वहीं पे हम लोग सेट करेंगे। ये देखिए परफेक्टली वहीं पे आ गया, पता भी नहीं चल रहा है कि ये कभी ओपन हुआ था। उसके बाद पाइप्स की कमी नहीं है, एक और पाइप है यहाँ पे, ये आपका रिजर्वायर वाला है, और जैसे से आई थी एग्जैक्टली उसी तरह से लगाना है। और अगर पाइप कोई ग्लाइड ना करे इजली, तो थोड़ा सा जो कूलेंट लीक हुआ था आप हल्का लगा लीजिए, वो थोड़ा सा इजली ग्लाइड करेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि इस बार ये प्लास्टिक का है, तो मुझे तो उतना रिलायबल नहीं लग रहा है, बट अब देखते हैं कितना लाइफ रहता है इसका। सही है ये, और हर एक पाइप को आपको देख लेना है कहाँ कहाँ से आ रही है, कहीं टच तो नहीं कर रही है, कंडीशन कैसा है इसका। तो कंडीशन अभी सही है, कुछ भी फटना नहीं चाहिए, सही है, परफेक्ट। तो सब कुछ फिट हो गया है, और यहाँ पे एक 10 mm का बोल्ट है जो कि हमें लगाना है। और ये देखिए, अगर ये सही से नहीं रहता तो इधर उधर होता, ये मतलब आपको अलाइन करना पड़ता, बट यहाँ पे ये ऑलरेडी अलाइंड है, और यहाँ पे सिंपली हमें इसे टाइट कर देना है। ये देखिए, और अगर आप जोर ज़बरदस्ती करते तो ये अलाइन नहीं रहता, आपको बहुत ये इरिटेट करता, बट यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से अलाइन था और बहुत अच्छे से ये फिट हो गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो थर्मोस्टेट हाउसिंग था विद थर्मोस्टेट, ये सेट हो गया। सारा पाइप, सारा नट बोल्ट हमने लगा दिया है, और बहुत इजी था, बट जो भी प्रॉब्लम आया ये पाइप्स के वजह से आया, यहाँ पे स्पेस नहीं था। और बाकी जो काम है इसमें कुछ कुछ और काम करना है, इसका इंटरकूलर लीक कर रहा है वो सब सही करना है। यहाँ पर ये क्लैंप आ जाएगा तो ये परफेक्टली अपने जगह पर फिट हो जाएगा, तो सारा कुछ मैं लगा लूँगा यहाँ पर। तो यही था दोस्तों, अगर आपके पास भी ये वाला इंजन है और इस इंजन में ये वाला प्रॉब्लम आना ही आना है, और ये इंजन फेमस इंजन है, पहले इसमें मेटल वाला था और उसमें ये प्रॉब्लम लीकेज का आता ही था, और आपको भी केयरफुल रहना है। अगर नहीं आया है कार में तो कभी ना कभी आएगा, अभी ये टूट गया है यहाँ पर मेरा वाला ओल्ड वाला, और अगर वही चलते चलते टूटता तो प्रॉब्लम हो जाता, मे बी कि हीटिंग का प्रॉब्लम आ जाता रास्ते में, और ध्यान नहीं देते तो इंजन सीज भी हो सकता था।
तो इसका आपको ध्यान देना है और कैसे रिप्लेस करना है आपने देखा, बहुत ही ईजिली हमने इसे रिप्लेस किया और इसका बाकी इसका काम करके मैं इसे अपना यूज़ करूँगा। यहाँ पे ये परफेक्टली आ गया है, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।